खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। उज्जैन, प्रतिवर्ष परंपरा अनुसार इस वर्ष भी विजयदशमी पर्व मनाया गया। 8 अक्टूबर को साय 4 बजे विजयदशमी पर्व पर भगवान श्री महाकाल की सवारी राजसी ठाट बाट के साथ निकाली गई। सवारी के पूर्व सभा मंडप के मंदिर मंडप में मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री सुजान सिंह रावत, उप प्रशासक श्री आशुतोष गोस्वामी, मंदिर के पुजारी व पुरोहितों ने पालकी को नगर भ्रमण की ओर रवाना किया। पालकी जैसे ही श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची, मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के द्वारा पालकी में विराजित भगवान श्री मन महेश को सलामी दी गई। भगवान श्री मन महेश का दर्शन लाभ सवारी मार्ग में दोनों ओर खड़े श्रद्धालुओं ने किए। वर्ष में एक बार नए शहर में भ्रमण पर जाने वाली भगवान श्री महाकालेश्वर जी की सवारी श्री महाकालेश्वर मंदिर से पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, छोटा सराफा, सती गेट, कंठाल, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चातुल्ड माता चौराहा से ओवरब्रिज से फ्रीगंज टावर, माधवनगर चिकित्सालय के सामने पुलिस कंट्रोल रूम होती हुई दशहरा मैदान पहुंची। सवारी मार्ग में श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह पर श्री महाकालेश्वर भगवान का स्वागत किया गया। दशहरा मैदान पर श्री शशांक मिश्र कलेक्टर एवं अध्यक्ष श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा भगवान श्री मन महेश एवं शमी वृक्ष का पूजन किया गया। इस दौरान श्री सचिन अतुलकर पुलिस अधीक्षक, श्री आर पी तिवारी ADM, मंदिर प्रबंध समिति प्रशासक श्री सुजान सिंह रावत आदि उपस्थित थे। पूजन के पश्चात सवारी वापसी में ओवरब्रिज से संख्या राजे धर्मशाला, देवास गेट, मालीपुरा, तोपखाना, महाकाल घाटी होकर श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।